कोरोना संकट के बीच भारतीय डाक सेवा नई उड़ान पर है। इस दौरान कटिहार डाक विभाग ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। लॉकडाउन के दौरान कटिहार डाक विभाग ने लगभग 85,000 जरूरतमंद लोगों का अकाउंट खोला है। लॉकडाउन के समय में ये कटिहार ब्रांच जो है 85,000 खाता खोला गया है कटिहार ब्रांच में, जो कि उत्तरी क्षेत्र बिहार में पहला स्थान है और इंडिया में दूसरा स्थान, इंडिया में ये दूसरा स्थान है जो कि इतना ज्यादा खाता खोला गया है लॉकडाउन के समय में 85,000। भारतीय डाक ने कोरोना संकट के दौरान बेहतर काम किया है, जिसकी तारीफ भी हो रही है। इसके अलावा कटिहार मुख्य डाक अधीक्षक ने जानकारी दी है कि आने वाली पीढ़ी को पत्र लेखन के प्रति जागरूक करने के लिए डाक विभाग के निर्देश पर एक एसे राइटिंग और ड्राइंग कंपटीशन का भी आयोजन किया गया है। इसमें फर्स्ट क्लास से लेकर 10th क्लास तक के बच्चे अलग अलग विषय पर एसे लिख कर भाग ले सकते हैं। हम लोग एक हमारे पोस्टमास्टर जनरल के निर्देश पर एक हम लोग पत्र लेखन और प्रिंटिंग का कंपटीशन का यहाँ इंतजाम किए हैं बिहार में। ये जो है ये इसका एप्लीकेशन लोग पत्र भेज सकते हैं। ये 10 मई से लेकर 1 जून तक लास्ट डेट है, जिसके लिए सब्जेक्ट दिया गया है और इसमें 2 ग्रुप बनाया गया है, एक से फर्स्ट से 10th क्लास तक जूनियर ग्रुप और 11th क्लास के लिए सीनियर ग्रुप। वो जो है ये सब्जेक्ट के आधार पर जो 500 जूनियर को लिखना है 500 वर्ड तक मैक्सिमम और सीनियर को 1,000 वर्ड तक। इसके लिए 5 प्रतियोगिता दिया गया है। फर्स्ट में है 5,000 रुपया, सेकेंड में 4,000 रुपया, थर्ड में 3,000 रुपया, फोर्थ में 2,000 रुपया और फिफ्थ में 1,000 रुपया और 557 पुरस्कार दिया गया है। कैसे भेजा जाएगा इसको? ये सहायक निर्देशक ऑफिस ऑफ पोस्टमास्टर जनरल पूर्वी क्षेत्र बिहार। आपको बता दें कि इसके लिए विभाग के द्वारा उचित पुरस्कार की भी व्यवस्था की गई है। कटिहार से न्यूज के लिए श्याम कुमार की रिपोर्ट।